We are going to explain the chapter Blue Carbuncle of English Literature. Here is the detective Sherlock Holmes who solves the case and he finds out who is the culprit, who is the thief. One diamond has been stolen and then at end it brings the fact, it brings the truth, who is the thief of the, who is the culprit of the story. Now let's see the famous British. Here is, it is the famous British detective Sherlock Holmes along with his friend. तो बेटा शर्लॉक होम्स है अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ जिसका नाम है डॉक्टर वॉटसन, टेक्स अप ए न्यू केस ऑफ मिसिंग जेवेल, जो एक जेवेल मिसिंग है उसका एक केस सोल्व करने का प्रयत्न करे, फ्रॉम सेवरल स्मॉल क्लूज, छोटे छोटे क्लू को देखते हैं जैसे प्रद्युमन कर रहे हैं वैसे, एंड शर्लॉक होम्स इज एबल टू ट्रैक द कल्प्रिट, कल्प्रिट कल्प्रिट मतलब जो चोर है उसके प्रति, एंड ही गॉट get hold of the jewel and return it to its owner, read on to find out how he solved the case. तो बेटा वो छोटे छोटे क्लू से लेकर वो अंत तक पहुँचते और जो जो कल्प्रिट हैं उसको वो पकड़ते हैं, प्रूव करते हैं वो कैसे करते हैं वो हमें देखना है. So let's see who is the culprit of the story and who has theft the jewel, we will see. तो यहाँ पे डॉक्टर वॉटसन और शर्लॉक होम्स बैठे हुए और यहाँ पे वो चर्चा कर रहे हैं. आई फाउंड लॉन्गिंग सॉरी आउट आई वन मॉर्निंग क्रिसमस आई वेंट टू विश माई फ्रेंड शर्लॉक होम्स. डॉक्टर वॉटसन कहते हैं मैं अपने फ्रेंड शर्लॉक होम्स को विश करने गया. आई फाउंड हिम लॉन्गिंग ऑन सोफा, वो वहाँ पे सोफा पे आराम कर रहे थे, रिलैक्स हो रहे थे. फ्रॉम ऑन द बैक ऑफ द चेयर वॉज अ डर्टी ओल्ड हैट, लेकिन वहां पे चेयर के पीछे एक डर्टी हैट पड़ी हुई थी. और देखो ऐसे ऐसे डिटेक्टिव ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्लूज अपने पास रखते हैं और जो दोषी है उसको ये क्लूज की चेन बना के उसको पकड़ते हैं. देन क्या क्या पड़ा हुआ है, और लेंस लेंस पड़े हुए एंड पेयर ऑफ फोसेप्स, फोसेप्स का मतलब होता है चिपिया जैसी चीज होती है. लाइंग ऑन द चेयर सजेस्टेड दैट ही हैड बीन स्टडिंग इट क्लोजली, इसे ये लगता है कि ये कोई बात का स्टडी कर रहा है और बहुत ही क्लोजली कर रहा है ऐसे देख देख के. मतलब देखो यहाँ पे आप पिक्चर में यहाँ पे देख सकते हो ये फर्स्ट वन, तो वो कुछ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. आर यू बिजी आई आस, मैं इंटरप्ट यू, मैंने बोला डॉक्टर वॉटसन कहते मैंने बोला क्या आप बिजी हो, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर सकता हूँ. आंसर आता है नॉट एट ऑल, आई एम ग्लेड टू हैव फ्रेंड्स, अरे यार तू तो मेरा दोस्त है. विथ हुम आई कैन डिस्कस माई रिजल्ट, और उसके साथ मैं मेरे रिजल्ट डिस्कस कर सकता हूँ और उसमें से मुझे फ़ायदा भी हो सकता है. जो केस है जो दोषी है उसको पकड़ भी सकते हैं, केस सॉल्व भी कर सकते हैं. यू नो पीटरसन द कमिश्नर, यू नो द पीटरसन द कमिश्नर ऑफ पुलिस, तू जानता है जो पीटर जो पीटरसन है पुलिसनर ऑफ कमिश्नर, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उसको जानता है तू. तो बेटा यहाँ पे जो यहाँ से शुरू स्टोरी ये शुरू होती है कि एक आदमी जाता होता है, उसके पास गूज होता है, तो गूज है उसको जो गैंग ऑफ बॉयज है वो छीनने की कोशिश करते हैं, तो वो आदमी है जो गूज लेके जाता है वो उससे बचने की कोशिश करता है, और ये जब धक्का मुक्की होती है झगड़ा होता है तब पीटरसन डॉ जो पुलिस है वो वहाँ पर जाते हैं जाता है, तो पुलिस को देख के वो जो आदमी था जो घूस लेके जाता है वो घूस छोड़ के भाग जाता है और अपनी हेड भी वहाँ पे गिर जाती है, और बाकी जो जो बॉयज थे वो भी चले जाते हैं. जो घूस जब पीटरसन घर शर्लॉक के पास लेके आते हैं तो शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि ये हेड मैं रखता हूँ आप घूस लेके जाओ, और घूस वो घर लेके जाते हैं तो उसमें से जो ब्लू कार्बंकल नाम का डायमंड निकलता है और वो शर्लॉक होम्स को देते हैं, और जो ब्लू कार्बंकल है वो किसी का मिसिंग है और वो किसी ने चुरा लिया था, और जो इनोसेंट जो निर्दोष आदमी है उसको जेल में बंद कर दिया है. तो यहाँ पे शर्लॉक होम्स से जो बंद हुआ जो आदमी है उसको बचाने के लिए प्रयत्न करते, तो ऐसी स्टोरी हम धीरे धीरे समझेंगे.
और वह लास्ट में जो दो सिकल प्रीट है वो पकड़ा भी जाता है। शर्लक होम्स है वो ये फाइंड करके बताते हैं। चलो यहाँ पे न्यू वर्ड है वो देखते हैं। ब्लू कार्बनकल, अ ब्लू कलर्ड प्रेशियस स्टोन। देन लॉन्गिंग, रिलैक्सिंग। फोर्सेप्स, देखो आप देख सकते हो, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय डॉक्टर्स विथ टू थिन पार्ट्स यूज्ड फॉर पिकिंग अप थिंग्स। इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब। नाउ ही फाउंड दिस हैट। तो जो शर्लक होम्स है वो वॉटसन को कहते हैं कि यार ये पीटरसन को आप जानते हैं ना, तो पुलिस वाला, उसने ये हॉट हैट है वो मुझे दी है। इट्स ऑनर इज अनोन, लेकिन हमें पता नहीं कि इसका मालिक कौन है। देखो छोटी सी टोपी का मालिक, वो टोपी है वो क्लू है, टोपी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ब्लू कार्बनकल की चोरी हुई उसके पीछे जो निर्दोष है वो अब जेल में बंद है, उसको छुड़ाना है और जो दोषी है उसको पकड़ना है, ये स्टोरी है। अबाउट 4 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, 4 बज रहे थे, पीटरसन वॉज रिटर्निंग फ्रॉम पार्टी। जो पीटरसन है, जो पुलिस वाला है, वो पार्टी से वापस आ रहा था। डाउन द टॉटेनहम कोर्ट रोड, इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने, पीटरसन के सामने जो पुलिस वाला है उसके सामने, ही सॉ इन द स्ट्रीट लाइट में उसने देखा तो दूर झगड़ा हो रहा था, अ टॉलिस मैन वॉकिंग विथ अ स्लाइट लिम्प। एक जो आदमी था वो धीरे धीरे डिफिकल्ट मतलब चल के आ रहा था, कैरिंग अ वाइट गूस, ऐसे उठा के ऐसे ऐसे आ रहा था। गूस शायद बड़ा होगा और उसकी उम्र भी शायद बड़ी हो सकती है, इसलिए वो ऐसे चल के आ रहा था। तो ये पीटरसन ने देखा कि जो आदमी आ रहा है उसको जो गैंग्स ऑफ बॉयज है वो उसे छीनने का प्रयत्न करते हैं। एंड वाइट गूस, उसके ऊपर एक वाइट गूस था ऑन हिज शोल्डर। एज ही रीच द कॉर्नर ऑफ द गुड स्ट्रीट, जैसे ही वो गुड स्ट्रीट पे पहुंचा जो आदमी था, वो जो गूस लेके जा रहा था, वो अ फाइट ब्रोक आउट बिटवीन द स्ट्रेंजर्स एंड गैंग ऑफ बॉयज। तो जो स्ट्रेंजर जो गूस लेके आ रहा था उसके और द बॉयज थे उसके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। वन ऑफ देम नॉक्ड ऑफ द मैन सेट, और जो बॉयज थे उसमें से एक ने उसकी, जो ये आदमी जो गूस लेके आ रहा था, उसकी हेड गिरा दी। एट विच मोमेंट द मैन रेज्ड हिज, और तभी मैं जो ये लकड़ी ऐसे घुमाने लगा, रेज्ड हिज वॉकिंग स्टिक टू डिफेंड हिमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करने के लिए वो लकड़ी घुमाने लगा। एंड स्विंगिंग इट ओवर हिज हेड, और अपने ऐसे घुमाने लगा। स्मैश्ड द शॉप विंडो बिहाइंड हिम, पीछे जो विंडो थी शॉप की वो भी तोड़ दी उसने। पीटरसन रश्ड टुवर्ड द टू प्रोटेक्ट, पीटरसन जो पुलिस वाला बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जो आदमी जो गूज लेके जा रहा था उसको भी डर लगा कि मैंने शायद ये नुकसान किया है तो मुझे पकड़ लेगा, तो वो भागा। द स्ट्रेंजर बट सीइंग अ पुलिस ऑफिसर रशिंग एट हिम ही ड्रॉप्ड हिज गूज एंड फ्लेड, तो वो अपनी गूज थी वो छोड़ के, और हेड तो पहले से गिर गई थी, वो छोड़ के भाग गया। डिड ही नॉट रिटर्न इट टू इट्स ओनर, तो क्या आपने ये हेड उसको गूज उसको नहीं वापस कर दी। डॉक्टर वॉटसन कहते हैं, अरे यार यहाँ पे कितने सारे इससे लोग हैं, उसमें जो और जो बेटा गूज था ना उसके नीचे उसके पैर में लिखा हुआ था, उसमें लिखा था फॉर मिसिस हेनरी बेकर, फॉर मिसिस, तो बेटा वो अपनी वाइफ को शायद नहीं उसकी वाइफ को ही मिसिस हेनरी बेकर को गिफ्ट देने जा रहा था। गूज सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, खाओ पियो मौज करो। तो जो आदमी था उसका नाम शायद हेनरी बेकर होना चाहिए, और वो अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि जो गूज था उसके पैर में वो लिखा हुआ था, जो कार्ड है ना वहाँ पे लिखा होता फॉर मिसिस हेनरी बेकर, जैसे यहाँ पे हम गिफ्ट देते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं ना वैसे। माई डियर फेलो देयर लाइज द प्रॉब्लम, यही तो प्रॉब्लम है, लेकिन हेड किसकी पता तो होनी चाहिए ना, तो हम वापस करेंगे। इट्स ट्रू दैट देयर वॉज अ स्मॉल कार्ड टाइड टू बॉल्स लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग में लिखा हुआ था फॉर, वहां पे लिखा हुआ था फॉर मिसिस हेनरी बेकर। क्या आपने उसको दे दिए, तो नहीं भाई नहीं दी। देखो यहां पे लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 2, माय डियर फेलो देयर लाइज द प्रॉब्लम, इट्स ट्रू दैट देयर वाज अ स्मॉल कार्ड टाइड टू द बॉल्स लेफ्ट लेग विथ फॉर मिसिस हेनरी बेकर रिटर्न, उस पर लिखा हुआ था कि मिसिस
for Mrs. Henry Baker. But with hundreds of Henry Bakers in the city of London, it isn't easy to find the owner. देखो ये इजी नहीं है कि भाई कौन है वो हेनरी बेकर और कौन मिसेस हेनरी बेकर है, क्योंकि बहुत सारे हेनरी बेकर्स हैं यहाँ पे. पीटरसन बॉट फाउंड ब्रॉड राउंड बॉथ हैट एंड गूज टू मी. बाद में शर्लॉक होम्स कहते हैं पीटरसन है वो ये हैट और गूज लाके मेरे पास गूज लेके मेरे पास आए. That morning, Peterson carried the goose off with him. जो Peterson है वो goose अपने साथ ले गए. जो goose था वो अपने साथ ले गए और टोपी मेरे पास रख दी. And Peterson carried the goose with him while I kept the hat of the unknown gentleman. और Sherlock Holmes कहते हैं जो टोपी थी वो मैंने रख ली और जो Peterson को मैंने बोला कि आप ये goose लेके जाओ. He picked up the hat and gazed at it thoughtfully. उसने वो टोपी देखी और उसमें उसको देख के सोचने लगे क्या क्या है. बाद में वो कहते हैं समथिंग आर क्वाइट क्लियर. यहाँ पे पाओ कुछ ऐसी चीजें वो बहुत क्लियर है. दैट द मैन वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल. वो टोपी देख के बोल देता है कि वो हाईली इंटेलेक्चुअल है. वो कैसे कह सकते हैं. लेकिन भाई शर्लॉक होम्स प्रद्युमन के पिताजी है ना, ऐसे भी प्रद्युमन वो सही होते हैं, को जो भी करते हैं दया कुछ तो है. तो यहाँ पर भी ये प्रद्युमन के पिताजी शर्लॉक होम्स ये टोपी देख के बताएंगे जो टोपी पहनने वाला आदमी बहुत ही होशियार होगा. एंड ऑल्सो दैट ही वॉज फेयरली वेल टू डू विद इन द लास्ट 3 ईयर्स. वो थोड़े समय पहले बहुत ही अच्छी फैमिली से मतलब उसकी इनकम या अच्छी lifestyle होगी. although he has now fallen upon evil days. लेकिन आजकल उसके खराब दिन चल रहे हैं. टोपी देख के बोल रहे हैं कि वो clever है, intellectual है. वो पहले उसकी स्थिति अच्छी थी, आज उसके खराब दिन चल रहे हैं. he had foresight. उसकी दीर्घ दृष्टि है. but has less now than before. अब अच्छी नहीं है. he has however retained some self respect. अभी भी उसकी रिस्पेक्ट है. इज ए मैन हु लीड्स इन एन इनएक्टिव लाइफ. अब वो इनएक्टिव लाइफ जी रहा है. ये खाली एक हेड को देख के कह रहे हैं ये शर्लॉक जी. गोज आउट लिटल हैज वेरी लिटल एक्सरसाइज. वो बहुत ही बाहर कम जाते हैं, बहुत कम एक्सरसाइज करते हैं. और मिडल एज्ड, और वो मिडल एज्ड है. हैज़ वेरी कर्ली हेयर. उसके हेयर है वो कर्ली हेयर है. विच हैज़ बीन रिसेंटली कट. वो अभी काटे हुए हैं. एंड विच ही रब्स विथ लाइम क्रीम. और बाल में वो लाइम क्रीम लगाते हैं. ये शर्लॉक होम्स ने ये खाली टोपी दे के बोल दिया कि वो बाल अभी कटवाए हैं, बाल में लाइम क्रीम लगाते हैं. वो पहले बहुत ही क्लेवर थे, मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी है. पहले उसकी परिस्थिति अच्छी थी, आजकल अच्छी नहीं है. और वो बाहर बहुत कम निकलते हैं. ये सब एक टोपी दे के. तो यकीनन हमें भी क्वेश्चन होगा कि ये आप कैसे कह सकते हो. तो वॉटसन उसे कहते हैं, डॉक्टर वॉटसन उसे कहते हैं, आई मस्ट एडमिट दैट आई एम अनेबल टू फॉलो यू. हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही वॉज इंटेलेक्चुअल. मैं नहीं मानता हूँ. आप कैसे कह सकते हो बिना देखे कि वो इंटेलेक्चुअल है. मैं ऐसे तो नहीं मान लूंगा. होम्स क्लैप्ड द हैट अपॉन हिज हेड. तो ये पहनो टोपी. बाद में होम्स है वो टोपी पहना था, ये पेन टोपी. तो टोपी जो पहनते हैं तो टोपी यहाँ तक आ जाती है. बाद में शर्लॉक होम्स बोलता है कि जिसका सर इतना बड़ा है, तो मतलब टोपी बड़ी है तो सर तो बड़ा होगा, तभी टोपी बड़ी ना. जिसका सर इतना बड़ा है तो वो बुद्धिमान होगा ही. ये तर्क है उसका और वो मान लेते हैं. सो होम्स क्लैप्ड द हैट अपॉन हिज हेड एज एन आंसर. इट केम राइट ओवर द फोरहेड एंड सेटल ऑन द नोज. तो डॉक्टर वॉटसन को यहाँ तक ये टोपी पहुँच जाती है. एंड ब्रीज ऑन इट्स नोज अ मैन विथ, बाद में कहते हैं, अ मैन विथ लार्ज ब्रेन मस्ट हैव समथिंग इन इट, ही सेड. तो बेटा इतना बड़ा माथा है तो उसके अंदर इतना बड़ा ब्रेन होगा, तो उसमें कुछ होगा ना. तो इंटेलेक्चुअली पहला आंसर. योर रीजनिंग सीम्स क्वाइट लाइकली. डॉक्टर वॉटसन ये हो सकता है, बराबर है. फर्दर पॉइंट्स दैट ही इज मिडल एज्ड.
और वो दूसरा कि वो मिडिल एज है, दैट हिज हेयर इज वेरी कर्ली, क्योंकि हम जैसे उम्र बढ़ती जाते हैं बाल है वो स्ट्रेट नहीं रहते, कर्ली हो जाते हैं, दैट इट हैज बीन रिसेंटली कट, और अभी अभी उसने बाल कटवाए क्योंकि हेड में उसके बाल लगे हुए हैं, उसमें से लाइम की सुगंध आ रही है, एंड दैट ही यूजेस लाइम क्रीम आर ऑल टू बी गैदर्ड फ्रॉम क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द लाइन, और जो टॉपी है उसमें काला हो जाता है ना, तो इससे भी पता चलता है कि ये लगाया हुआ ये, एंड सेवरल हेयर एंड्स, और जो बाल वहाँ पे कटे हुए हैं, डिस्टिंक्ट स्मेल ऑफ लाइम एंड फ्लफी ब्राउन डस्ट, और वहाँ पे डस्ट भी लगी हुई है, मतलब वो टोपी बहुत कम पहनते होंगे वरना वहाँ पे घर पे अपने मतलब हंग करके रखते होंगे, ऑफ द होम सजेस्ट दैट हेड इज हंग इंडोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, तो इससे ये लगता है कि वो ज़्यादा नहीं इंडोर्स जो लटकाते हुए वो अपनी हेड रखते हैं ज़्यादातर ये हो, और ये केस कर रहे हैं शर्लॉक होम्स। लिम्स का मतलब होता है वॉक स्लोली एंड विथ डिफिकल्टी बिकॉज वंस लेग इज हर्ट, दूसरा फ्लेड रैन अवे क्विकली भाग जाना, वेल टू डू रीच और वेल्दी, तो पहले वेल्दी था इसलिए, और तीन चार साल से अच्छी हालत नहीं चल रही है, टोपी देख के पता चल जाता है, फोरसाइट एबिलिटी टू थिंक और प्लान अहेड, फोरसाइट में दीर्घ दृष्टा दूर की सोचने वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट सेंस ऑफ प्राइड ऑफ ऑनर और ऑनर, रिड्यूस फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में ओपिनियन बनाना बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट इट, आपको किसी के बारे में मतलब ओपिनियन इंफॉर्मेशन मिलते बाद में उसके बारे में आप ओपिनियन बांधते हो, लाइनिंग लेयर ऑफ क्लॉथ यूज फॉर कवर द इनसाइड ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे जो टॉपिक के नीचे का भाग होता है वो डस्टिंग, वो तेल की वजह से थोड़ा डार्क हो गया है, वो डिस्टिंग क्लियरली डिफरेंट। नाउ लेट्स सी हियर वी कैन सी एज होम्स वॉज सेइंग दिस, होम्स कह रहा है इतनी बड़ी टोपी पहनने वाला इंटेलेक्चुअल ये पहले अच्छी परिस्थिति अब अच्छी नहीं है, एज होम्स वॉज सेइंग दिस पीटरसन रस्ट इन टू द रूम, तभी पीटरसन आता है ये बात करें, तभी पीटरसन आ रहा है, मैंने तो दे दी उसको गूज है उसको दे दिया था हेड मैंने, तभी पीटरसन आता है बोलता है देखिए, तो बेटा पीटरसन की वाइफ भी कितनी अच्छी है, क्योंकि गूज को वहाँ पे घर पे जाकर उसने काटा तो उसमें से ब्लू कार्बनकल जेवल निकला और ये उसे देने आए, और वही जय जो जो ब्लू कार्बनकल है जिसकी चोरी हुई है, जो कल्प्रिट है वो घूम रहा है, जो दोषी है वो घूम रहा है, जो निर्दोष व्यक्ति है वो जेल में है। सो एज होम्स वॉज सेइंग दिस पीटरसन रस्ट इन टू द रूम द गूज मिस्टर होम्स सी वॉट माई वाइफ फाउंड इन साइड इट, देखिए जो पीटरसन बहुत ही ऑनेस्ट इंस्पेक्टर है जो पुलिस कमिश्नर है वो बोलते हैं देखो ये गूज के अंदर से ये ब्लू कार्बनकल निकला, तो कितना ऑनेस्ट है, वो छुपा भी सकता था ना, अपने पास भी रख सकता था, नहीं लेकिन नहीं, ही हैल्ड आउट दिस हैंड एंड पुट ऑन सो अ ब्राइट ब्लू स्टोन, और बताया देखो ये स्टोन देखो ये ब्लू कार्बनकल है जो मिस हुआ था, बाय जो पीटरसन सेड होम्स डू यू नो वॉट यू हैव गॉट, तुझे पता है तूने क्या प्राप्त किया, तूने क्या पाया है, तूने क्या ढूंढा है, अ डायमंड सर अ प्रेशियस स्टोन, हाँ सर पता है मैंने एक डायमंड प्रेशियस स्टोन पाया है, इट्स मोर देन अ प्रेशियस स्टोन इट इज द प्रेशियस स्टोन, ये तो बहुत ही महंगा है बहुत ही कीमती है, इट इज मोर देन अ प्रेशियस स्टोन इट्स द प्रेशियस स्टोन द काउंटेस ऑफ मोरकास ब्लू कार्बनकल, आई एक्सप्लेन, मैंने बोला ये है ना द काउंटेस ऑफ मोरकास ब्लू कार्बनकल है, ब्लू कार्बनकल है मिस हुआ है, एग्जैक्टली वॉट वॉटसन सेड होम्स, वॉटसन होम्स कहता है बस वही है द ब्लू कार्बनकल जो अभी चोरी हुआ है ना और वही चर्चा हुई ना वही है, इट वॉज लॉस्ट एट द होटल कॉस्मोपोलिटन, आई रिमार्क, मैंने बोला अब वही है जो कॉस्मोपोलिटन है वहां पे वो वहां से वो चोरी हुआ है, दैट वॉज ऑन द 22nd जस्ट 5 days ago, 5 दिन पहले ये हुआ है, जॉन हॉर्नर अ प्लम्बर वॉज ब्लेम्ड, और बेचारा जो जॉन हॉर्नर है उसको उसके लिए दोषी पाया गया है, उसके
उसको दोषी पाया गया क्योंकि जब चोरी हुई तब वो वहाँ पे आया था एंड वॉज ब्लेम्ड फॉर हैविंग स्टॉलन इट फ्रॉम द लेडीज जेवल. तो लेडी के जेवल में से उसने ये चुराया है. कैस एंड इज अंडर ट्रायल नाउ और उस पर अब मुकदमा चल रहा है. जेम स्टाइडर अटेंडेंट फॉर हैविंग स्टॉलन सॉरी अटेंडेंट एट द होटल और जो जेम्स राइडर है जो अटेंडेंट होटल का गेव प्रूफ एट द कोर्ट और कोर्ट में उसने प्रूफ भी दिया है कि यही प्लम्बर है. जब चोरी हुई तभी जो प्लम्बर है जो जॉन वो वहाँ आया था और उसने ये चोरी की है. एंड प्रूफ एट द कोर्ट बट द स्टोन वॉजन फाउंड इन हॉर्नर्स हाउस. लेकिन जो हॉर्नर है उसके घर से स्टोन मिला नहीं है. तो ट्रायल चल रहा है वो अभी जेल में है. होम्स वॉज थॉटफुल ऑफ होम्स सोचने लगा फॉर अ मोमेंट एंड देन ही सेड वी मस्ट पुट एन अनाउंसमेंट इन द इवनिंग पेपर्स टू फाइंड द जेंटलमैन फ्रॉम होम द गूज केम. तो अब देखो न्यूज़पेपर में देते हैं कि ये गूज हैं आपने कहाँ से आप कहाँ से लाए हो. ये हम यहाँ पे वी मस्ट पुट द अनाउंसमेंट इन द इवनिंग पेपर टू फाइंड आउट द जेंटलमैन फ्रॉम होम द गूज केम. जहाँ से ये गूज आया है वो बेचा है जहाँ से गूज लाए वो व्यक्ति जो बेचने और देने वाला व्यक्ति है वो कौन है तो ही पता चलेगा ना कहाँ से वो उस वहाँ पे आया गूज के अंदर कहाँ से ब्लू कार्बन लाया. एज होम्स हैड एक्सपेक्टेड मिस्टर हेनरी बेकर सॉ द पेपर्स. और क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये जो गूज है गूज का मालिक पड़ेगा तो वहाँ पे आएगा क्योंकि अनाउंसमेंट किया ना पेपर में ये गूज के बारे में. तो जो जिसको पता होगा कि उसमें उसने डायमंड रखा है क्योंकि वो जो छोड़ गया उसको पता होगा होता कि मैंने उसमें डायमंड रखा है तो वापस लेने आता ना जो पीटरसन को देख के भाग गया था गूज का मालिक. लेकिन बेचारे उसको तो पता ही नहीं था कि गूज के अंदर ब्लू कार्बंगल किसने रखा है. समझ में आया. जो गूज के अंदर जो ब्लू कार्बंगल रखने वाला था वो तो कोई और ही था वो हमें पता नहीं है. हमें ये जो शर्लॉक होम्स है उसको क्या डाउट है कि जो मिस्टर हेनरी बेकर है शायद उसने उसके अंदर रखा होगा डायमंड इसलिए उसमें उसने न्यूज़ में मतलब पेपर में अनाउंसमेंट दिया तो उसकी एक्सपेक्टेशन सही हुई. और वो न्यूज़ था जो वो मैसेज था वो जो आदमी था मिस्टर हेनरी बेकर उसने पढ़ा और उसने सोचा तो चलो मैं वहाँ से मेरा ये हैट और ये लेके आता हूँ. लेकिन वो वहाँ पे जाता है तो वो हैट लेता है लेकिन गूज नहीं है तो वो इतनी चिंता नहीं करता है कि मेरा गूज कहाँ. क्योंकि अगर गूज के अंदर उसने ये ब्लू कार्बन रखा तो बहुत गुस्से हो जाता ना. लेकिन वो शर्लॉक होम्स बोलते हैं कि भाई गूज तो नहीं है तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं मुझे हैट मिली. तब शर्लॉक होम्स का एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है. कौन सा? तो कि जो ये हेनरी बेकर है वो चोर है नहीं वो दोषी नहीं है उसने चुराया नहीं. अगर उसने चुराया होता और उसने गूज के अंदर रखा होता तो वो चिल्लाता ये मेरा गूज आपने खो दिया ये मेरा हैट का क्या करना है मुझे ऐसा. लेकिन वो नहीं बोलता है तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्लियर होता जा रहा है. एज होम्स हैड एक्सपेक्टेड मिस्टर हेनरी बेकर सॉ द पेपर्स एंड केम टू सी हिम दैट इवनिंग. तो हेनरी बेकर आया वहाँ पे. द विजिटर्स अपीयरेंस एंड मैनर्स कन्फर्म ऑल द गेसेस होम्स हैड मेड. तो बेटा उसका देखा उसका अपीयरेंस है उसकी मैनर्स है उसे ये लगा कि ये बराबर है ये पहले अमीर था अब गरीब है उसके खराब दिन चले और बहुत बुद्धिशाली वो दीर्घ दृष्टा है. जब हेनरी बेकर वहाँ पे आया तो उसको देख के शर्लॉक होम्स को हो गया बराबर ये मैंने जो सोचा था वो सही है. मैड अबाउट हिम फ्रॉम हिज हैट व्हेन होम्स टोल्ड हिम दैट हिज गूज हैड बीन ईटन. जब शर्लॉक होम्स ने बोला कि आपकी गूज है ना वो तो हम खा गए तो ये कुछ बोलता नहीं है हेनरी बेकर. क्यों? कि उसके अंदर कोई पाप नहीं था उसे क्योंकि उसने गूज के अंदर अगर ब्लू कार्बंगल रखा होता तो गुस्से हो जाता है ना. लेकिन वो उसको पता ही नहीं था वो तो वहाँ जहाँ से खरीदी उस लोग उनमें से किसी लोग ने वहाँ पे रखा उसके अंदर रखा था. ही वॉज बिट अपसेट बट ही ग्लेडली एक्सेप्टेड द न्यू बॉट गूज. अपसेट हो गया यार पैसे भी नहीं है तो बाद में शर्लॉक होम्स ने नई जो गूज है वो लाके दी तो खुश हो गया. तो शर्लॉक होम्स को डाउट सोल्व हो गया कि ये गूज चुराने वाला मतलब ये डायमंड चुराने वाला नहीं है. दिस सॉल्व
He was unaware of what was inside the goose he had bought. इसलिए ये साबित हो जाता है कि जो हेनरी बेकर है जो गूस को लेके जा रहा था उसके अंदर जो डायमंड मिला है वो उसे पता ही नहीं था, मतलब वो इनोसेंट है। When asked where he had bought the goose from, पर पूछा जाता है आपने ये गूस कहाँ से खरीदी है, he replied that he had purchased it from Alpine, उसने कहाँ से खरीदी है, Alpine, near the museum, म्यूजियम के बाजू में जो Alpine है ना वहाँ से मैंने खरीदी है। तो देखो अब Sherlock Holmes वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर पूछताछ करेंगे कि आपने ये आपकी मुर्गी है तो आपने कहाँ से ली है, क्या है, तो वहाँ से पूछताछ करेंगे। Home and I went to Alpine. Home और डॉक्टर वॉटसन कहते हैं होम्स और मैं Alpine गए। Learned that the geese sold at Christmas had been bought from salesman called Mr. Breckentridge, Covent Garden. तो भाई ये तो है ना, ये देखो इन वाले बोलते हैं कि हमने तो Breckentridge है जो Covent Garden है वहाँ से हमने खरीदी है, तो अब वहाँ पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जाना पड़ेगा जो असली मालिक तो बेचने वाला वो है, वो वहाँ पे जाते हैं। देखो देख लेते हैं, बाई जॉब का मतलब होता है ओल्ड फैशन ब्रिटिश इंग्लिश यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज और टू इम्प्रेसाइज समथिंग, बाई जॉब, देन अंडर ट्रायल बींग जज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टू फाइंड आउट इफ वन इज गिल्टी और नॉट। तो बेटा यहाँ पे देखो Alpine मतलब जो हेनरी बेकर को बोला कि आपने गूस कहाँ से ली थी, तो के इन से ली थी Alpine, तो Alpine पे जाते हैं तो Alpine वाले बोलते कि हमने तो मिस्टर Breckentridge है जो एट Covent Garden पे रहते वहाँ से हमने ली थी। वी देन वेंट टू, बाद में Sherlock Holmes और डॉक्टर वॉटसन वहाँ पे गए Covent Garden एंड फाउंड आउट दैट द गीज वर सप्लाइड बाय द मिस्टर मिसिस ऑक्स मिसिस ऑक्सॉट। तो बेटा ये है ना, तो यहाँ पे जो Breckentridge है उसको भी कहाँ से आती थी, एक लेडी थी वो वहाँ पे सप्लाई करती थी। देखो कहाँ से कहाँ ये थ्रेड पहुँच रहा है, ऑक्सफोर्ड के पास से ली थी ऑफ ब्रिक्सटन रोड, ब्रिक्सटन रोड पे एक लेडी रहती है वहाँ से हमने ली। सडनली वी हर्ड अ लाउड फाइट दैट, तभी हमने वहाँ पे जब खड़े थे यहाँ पे जो Covent Garden पे, तो हमने आवाज़ सुनाई थी ये डॉक्टर वॉटसन को और Sherlock Holmes को। Suddenly we heard a loud fight that had broken out in the shop. Shop means ladai hui. To hum wahan pe gaye. We had just left. Turning around, we saw a little red-faced fellow. Ek aadmi lal chehre wala standing in front of the shopkeeper, asking his first, shaking his fist at him. Aise kar raha hai. I have had enough of you and your geese, shouted the shopkeeper. I have had enough of you and your geese. आपने geese दी थी भाई, मुझे कुछ पता नहीं है, shouted the speaker. Don't disturb me anymore. I have had enough of this. Get out here. He refused forward sternly at the man who hurriedly away into the darkness. बाद में यहाँ पर जो झगड़ा होता है, तो बेटा यहाँ पे जो ये है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग टर्निंग पॉइंट है। तो यहाँ पे वो बार बार पूछता है कि मेरा ये कहाँ, मेरा गूस कहाँ, मेरा गूस कहाँ है, तभी ये लड़ाई चलती है। तो बेटा जो वहाँ पे जो आदमी आया है ना, जो यहाँ पे जो आदमी आया है सच्ची में विलन कौन है, कल्प्रिट है, वो अब पता चलेगा। Holmes walked over quickly, overtook the man and said, जो झगड़ा कर रहा था शॉप वाले के साथ उसके पास गए और पूछा, Excuse me, but I think I can be of help to you. ये बोलता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको क्या मदद चाहिए। Sherlock Holmes और जो झगड़ा कर रहा था जो दुकान वाला था Breckentridge उसके साथ, If I am not mistaken, You are trying to trace a goose that was sold to Mr. Henry Baker.
अगर आप बुरा न मानो, आई एम नॉट मिस्टेकन, यू आर ट्राइंग टू ट्रेस अ गूज दैट वॉज सोल्ड टू मिस्टर हेनरी बेकर. क्योंकि वो आदमी था ना, वो बोल रहा है कि मैंने गूज आपको, मेरी बहन ने आपको, क्योंकि वो जो लड़की है ना, जो लेडी जो सप्लाई कर रही थी, उसका ये भाई है और असल में यही अपराधी है. क्यों? कि ब्लू कार्बंकल ने उसने चोरी की थी और बाद में, चलो बाद में बताता हूँ अब नहीं. तो बेटा ये यहाँ पे ये पूछना है कि हमने जो मेरी बहन है यहाँ पे जो ब्लू सब गूज बेची है, सब आपने बेच दी, तो वो वाली गूज थी वो आपने किसको बेची है? हेनरी बेकर को बेची, तो वो कहाँ रहती? ये पूछ रहा था बार बार. तो दुकान वाला बोल रहा है कि हमें पता नहीं है भाई. ओके और सर यू आर द वेरी मैन आई वॉन्ट, क्राइड द लिटिल मैन. ये तो क्यों, उसको तो पता था, उसने ही तो ब्लू कार्बंकल उसके रखा था, और वो इसलिए वो एकदम मतलब बहुत ही हरी में था कि वो मेरा गूज कहाँ गया, मैंने गूज. क्योंकि जब वो बेटा, अब एक चलो बता देता हूँ, जो ब्लू कार्बंकल है जो ये आदमी चुरा यहाँ पे आया था, उसने चुराया था, और वो चुराने के बाद वो ब्लू कार्बंकल है वो उसकी बहन जो ये सप्लाई करते हैं ना गूज, उसके घर पे गया और उसने जो ब्लू कार्बंकल है, उसकी बहन ने बोला कि आप उसमें से एक गीज ले जाओ, गूज ले जाओ आप. उसकी बहन ने बोला आप इसमें से एक बर्ड है गूज, वो ले जाओ. तो ये है वो जो ब्लू कार्बंकल है, वो डर के मारे उसके उसके गले में फंसाता है, पेट में डाल देता है गूज की, ताकि बाद किसी को पता ना चले, बाद में वो उसकी उसको घर ले जाए और काट के उसमें से निकाल ले. लेकिन हुआ क्या, जल्दी में जो गूज है वो उसने हाथ से फिसल गया और दूसरा गूज था वो उसने ले लिया बाय मिस्टेक. और जो इसके अंदर गूज के अंदर जो उसने ब्लू कार्बंकल रखा था वो दूसरी जगह चला गया, और दूसरे ही दिन उसकी बहन ने वो सब जो गूज हैं गीज हैं वो बेच दिए. और बाद में इसने घर बेचा के उसको काटा और उसमें देखा तो गूज नहीं था, वो ब्लू कार्बंकल नहीं था, इसलिए वापस आया. उसकी बहन को पूछा कि वो ब्लू का आपके गूज गीज कहाँ है, तो मैंने वहाँ पर दुकान पर बेच लिए, इसलिए दुकान पर आया था. समझ में? तो ये स्टोरी है यहाँ पर. ओके नाउ, तो ये बाद में ये सरलोक वहाँ से चिल्ला के बाहर निकलता, सरलोक हमसे बोलता मैं आपको मदद करूँगा, क्योंकि उसको पता है कि शायद ये कल्प्रिट हो सकता है. इन दैट केस वी हैड बेटर डिस्कशन इन अ कोजी रूम रादर देन इन द मार्केट प्लेस. वो बोलते बात करते हैं, लेकिन सरलोक हम बोलते यहाँ पे नहीं, एक अच्छी जगह पे अकेले हो गए, वहाँ पे बैठे हैं और बात करते हैं. बट डू टेल मी हु इज इट आई हैव द प्लेजर टू असिस्टिंग. द मैन पॉज एंड रिप्लाइड My name is John Robinson. ये बोलता है कि मेरा नाम है वो John Robinson है. No, the real name. Sherlock Holmes बोलते हैं कि नहीं भाई, ये तुम्हारा दूसरा नाम है, सही नाम क्या है? No, the real name. It is always odd doing business with imaginary name. और सच ही आप काल्पनिक नाम के साथ मतलब परफेक्ट काम नहीं कर सकते हो. Embrace, the man said. वो शर्मा गया मतलब घबरा गया और बोलने लगा, वेल माय रियल नेम इज जेम्स राइडर. और ये जेम्स राइडर है वो विलन है, जो लेडी है जो गूज की सप्लाई करती है उसका भाई है, और कॉस्मोपोलिटन में ये जॉब करता था, और उसने प्लम्बर का नाम वहाँ पे चढ़ा दिया और चोरी इसने ही करवाई थी, और यही चोर था, और उसने गूज के अंदर डाल दी थी. बाद में वो गूज को घर पे लेके जाके काटेगा, लेकिन बाय मिस्टेक दूसरा गूज उसने ले लिया, और जो अपना गूज था वो अपने बहन के दूसरे गूज से उसके साथ रह गया, इसलिए वो अपना काम पार कर पाया नहीं. एग्जैक्टली हेड अटेंडेंट एट द कॉस्मोपोलिटन. कॉस्मोपोलिटन में तो हेड वे है भाई ना, तूने साक्षी दी भाई ना कि जो ये जो काम प्लम्बर है वो चोर है. व्हेन वी वर बैक इन द सिटिंग रूम एट द बेकर स्ट्रीट, होम्स अनलॉक्ड हिज स्ट्रॉन्ग बॉक्स एंड हेल्ड आउट द ब्लू कार्बंकल. द गेम इज अप राइडर, ही सेड. आपने जो ब्लू कार्बंकल चुराया था ना और आप यहाँ पे गूज लेने आए हो ना यहाँ दुकान वाले से, ये यही ब्लू कार्बंकल है, देखिए यू आर अंडर अरेस्ट. और बाद में बोलते योर गेम इज अप. राइडर एडमिटेड दैट ही हैड स्टॉलन, और वो एडमिट करता है कि हाँ मैंने स्टॉलन किया है, एंड ही डन इट इन द थ्रॉट ऑफ द गूज, और गूज के थ्रोट में मैंने डाल दिया था. हिज सिस्टर ओन्ड, क्योंकि मेरी बहन है वो गूज पालती और बेचती है. बट बिफोर ही कुड टेक इट बैक शी हैड सोल्ड ऑफ अ लॉट.
लेकिन जब मैं वो लेने गया था, उसने वो पूरी सब जो गूज है वो बेच दी थी। तो ये स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर समझ में नहीं आए तो दो बार तीन बार पढ़ लेना, आप आसानी से ये समझ जाओगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बस शर्लॉक होम्स की मजा आया ऐसी। सो राइडर इज द कल्प्रिट एंड फाइनली, बट इन द ओरिजिनल स्टोरी इन द एंड राइडर इज ऑल्सो नॉट पनिश्ड, ही इज सेंड आउट ऑफ द कंट्री एंड दिस वॉज द एंड ऑफ द स्टोरी, हैप्पी एंडिंग, नो बडी इज पनिश्ड देयर। दिस वॉज ऑल फ्रॉम द स्टोरी, थैंक यू वेरी मच।